तो गाइस ये बात है 27 दिसंबर 2018 की, जब मैं इमुलेटर पे पबजी इमुलेटर खेलता था। तब डायनोमो मेरे गेम में आया था और मैं उससे मिला था, पर मेरा ओल्ड पे माइक ग्लिच था जिससे मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी और ना मेरी उसको जा रही थी। तो मैंने इसे कैसे मारा था मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ देखते रहिए। यहाँ पर सीन ऐसा हुआ था कि डायनोमो से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लोग बंदे मिलना आए थे, 10 से 12 जने। तो उन्होंने इनके साथ स्कैम कर दिया था, इनके एक बंदे को मार दिया था हाइड्राज यूज़ करके उसको। तो ये इसलिए जोन के अंदर भाग के आ गए थे ये, उन बंदों को मार के या बच के कैसे भी पता नहीं। तो मैं भी उस टाइम जॉर्ज पुल गया था कंटेनर्स पर, ये वहाँ पर नहीं आए थे, लिपो का उतरे थे। तो इसलिए मैं लिपो जॉर्ज कंटेनर से लिपो का सिर्फ इससे मिलना आया था, क्योंकि ये फेमस था इसलिए। और ये देखो ये हम आ रहे हैं, ये जो जम कर रहा हूँ ये मैं हूँ, और मेरे पीछे जो है वो Jonty08 है मेरा फ्रेंड, और उसके भी पीछे King FK है जो अभी दिख नहीं रहा है पर थोड़ी देर बाद दिखेगा, वो इससे भी पीछे है वो। हाँ मेरे पास AWM और ग्रोजा थी। नहीं मैं बता रहा था इन्हें कि मेरे पास ओम है। मेरे को अंदर से फीलिंग आती है ना, मैं भाई सेंस कर लेता हूँ चीज़ें कुछ। ये जो भालू वाले कपड़े पहन रखे ये जोंटी है, और ये जो नॉर्मल ड्रेस पहन रखे ये मैं हूँ सामने, जिसके हाथ में AWM है। तब मेरा नाम Killer Lala 99 था, और उससे भी पहले मेरा नाम बाप का बाप था। मैंने बाप का बाप नाम इसलिए चेंज करा और किलर लाला इसलिए रखा क्योंकि मेरे क्लैन में एक और किसी ने बाप का बाप नाम रख लिया था, तो इसलिए मैंने किलर लाला रखा था। और अभी मेरा जो नाम है वो BM लाला करके है, ब्लडी मॉन्क्स में मैं हूँ अभी, क्लैन मेंबर हूँ मैं, तो इसलिए मैंने अभी BM लाला कर दिया है। पहले मैं किसी भी क्लैन में नहीं था तो इसलिए मैंने Killer Lala 99 रखा था। अरे यार फोन बहन। और हाँ मैं इसे AWM दे के गया। यहाँ पर मैं ऑल पे बोल रहा था हेलो हेलो वगैरह, पर ये आवाज नहीं आई। रोजा है मारेगा देख, शायद रोजा उसके हाथ में। ए बैठना रही है, ज्यादा फूल कर देगा। यहाँ पर मेरा दोस्त बैठ जाता है जोंटी, ये देख रहा अंदर। हाँ नहीं भाई मैं धोखा नहीं करता, मैं पीठ पीछे नहीं वार करता। तो फिर ये निकल गए थे, यहाँ पर हम निकल गए थे, और ये देखना ये जोंटी को भी मार देंगे देखना। मार हाँ ये मार दिया यहाँ पर। यहाँ पर ये गाड़ी ले गया और उन्हें पता ही नहीं चल रहा था, कोई बैंडेज मार रहा था। वो इनकी कार में ही जोंटी मार रहा था। ये जोंटी को नोक कर दिया यहाँ पर इसने, रोकी ने। चल कोई नहीं, अरे सॉरी। चलो तो अब मैंने इसे कैसे मारा था वो मैं दिखाता हूँ।
जिसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई। हाँ यहाँ पर मैं था, ये जिसने शॉट मारा ये मैं था, ठीक है। हाँ वो सामने घरों में मैं था, मेरे पास भी 4x था, Kaan 98 और 4x, और इसके पास भी AWM और 4x था। हाँ, ये मेरे पास भी 4x ही था, कोई 6x 8x नहीं था। और ये मारेगा भी वैसे, हेडशॉट मुझे ज़रूर मारेगा, और वो मैं बताऊंगा, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं कि उसने मुझे मारा और मैं वो बताऊं नहीं। मेरे पास भी 4x था। अच्छा ये आया, मैं ये पेड़ के नीचे मैं आया, और ये मैंने शॉट मारा इसे, वापस शॉट मारा इसे। और मुझे भी शायद लगी थी। यहाँ पर मैं और वो था किंग एफ के, जो मेरे साथ थोड़ा आगे था, मेरे साथ नहीं था वो, थोड़ा आगे था। इस पेड़ के पीछे मैं अकेला हूँ। मुझे एम करके बैठा ही है, देखते हैं क्या होता है। अभी इस टाइम इसके वॉचिंग भी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, सबसे ज़्यादा वॉचिंग थी इसके। यहाँ पर इसके साथ बहुत इसके होएगा, मैंने स्मोक करा पर मैं स्मोक से निकलूँगा ही नहीं, मतलब भागूंगा ही नहीं वहाँ से। और यहाँ पर इनके साथ सीन हो गया, मैं निकल गया। और ये किंग एफ के मार रहा था शायद, क्योंकि मेरे पास Kaan 98 थी, और यहाँ पर मैं नोक हो जाऊँगा। ये देखा, किलर लाना 99 विद AWM। मुझे चैलेंज मार रहा है, छोड़ कोई नहीं। अच्छा मेरे पास AWM 8x नहीं था, वरना इसका गेम पहले ही खत्म हो जाता। और ये यहाँ पर किंग एफ के को मार देगा, डायनमो किंग एफ के को। ये देखना सामने से भागेगा, दिख जाएगा इसे। ये रहा किंग एफ के, और इसे नॉक करा, और ये पूरा फिनिश कर देगा।
अब मैं अकेला बचा हूँ और एक और कोई बंदा मतलब मेरी टीम का नहीं है, वो उसे रोक वो उसे रोक की मार देगा, और ये मार दिया रोक की ने उसे। अब गाइस यहाँ पर हुआ ये सीन था कि मैं मतलब इतना वो हो गया था उतावला कि मैंने देखा ही नहीं कि कितने अलाइव है। मुझे लगा इसके पूरे बंदे अलाइव है, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसके दो बंदे किल हो चुके और बस यही है डायनेमो और रोकी है। मुझे लगा इसका पूरा स्क्वाड है, तो इसलिए मैंने डायनेमो को देखते में फिनिश करा, वरना रोकी भी मेरे सामने था तो मैं उसे भी मार सकता था। पर वही मैं इतना वो थोड़ा हो गया था, क्या बोलूँ मैं, मतलब पहली बार इतना बड़ा कोई स्ट्रीमर आया था, और तब ये फेमस हुआ था, तब इसके 8 लाख या 9 लाख सब्सक्राइबर थे, और सबसे ज़्यादा वॉचिंग भी थी इसके डायनेमो की, गेमिंग में सबसे ज़्यादा वॉचिंग अभी थी इसकी, ये 70,000 के वॉचिंग आ रही थी इसकी फर्स्ट टाइम 2018 में दिसंबर में। अगर मैं यहाँ पर देख लेता ना 2v1 है, तो मैं 100% दोनों को ले जाता, 100%, क्योंकि डायनोमो को तो मैं ले ही गया था, और रोकी भी मेरे सामने ही था, पर मैंने उसे इसलिए फाइन नहीं करा कि उसके दूसरे बंदे भी आ जाएंगे इसलिए, और मुझे पता नहीं था रोकी अकेला बचा था। तो खैर कोई नहीं, मुझे जिसको मारना था मैंने उसे मार दिया, तो बस देखती रही। हाँ देखा मत मार क्या, ये देख किलर लाला 99 विद ग्रोजा, ठीक है ये मैंने इसे नोक करा था, और मेरी किस्मत भी अच्छी थी कि ये जोन में नहीं था। ये देखो रोकी को मैं आराम से मार सकता था, दिख रहा रोकी, पर क्या करूँ मैं। ये देखो ऐसे पूरा फिनिश करा, और ये मुझे देख लेगा अब वो रहा बस। पर मुझे जिसको मारना था मैंने उसे मार दिया, तो बस यही कह रहा था कि आई किल डायनोमो हाइड्रा डायनोमो, वो भी इमुलेटर पे, ऐसा भी नहीं कि मोबाइल पे, मोबाइल पे वो इतना अच्छा इमुलेटर जैसा हर कोई नहीं खेल पाता है, कोई भी शिफ्ट होता है मोबाइल पे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जब इमुलेटर पे बहुत अच्छा था, कॉन्करर प्लेयर था, टॉप सेकेंड या थर्ड पे था वो पूरे एशिया में सीज़न 3 में, जहाँ तक मुझे पता है, तब तो नहीं मारा था वैसे, सीज़न 4 या 5 में मारा था मैंने इसे, तो तब ये बहुत अच्छा खेलता था। और ये देख लीजिए इसकी स्ट्रीम भी पड़ी है, ये मेरा गेमिंग चैनल है लाला इज अलाइव करके, अगर आपने वीडियो देखी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ये रहा इसका चैनल डायनमो गेमिंग, 5.88 मिलियन सब्सक्राइबर, और ये स्ट्रीम लाइव ऑन 27 दिसंबर 2018, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो ये देख लीजिए, पूरी फ़ोटो है 1080p पे करके देख लीजिए, पूरा सर्च मार लीजिए आ जाएगा आपके सामने। और यही है, टाइमिंग भी देख लीजिए 37 मिनट पे देख लेना, मैंने इसे किल करा था, तो बस यही बताना था मुझे, और थैंक यू इतना देखने के लिए, अगर देखी हो, वैसे तो कोई सब्सक्राइबर कुछ है नहीं मेरे इतने, तो थैंक यू वेरी मच।